यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो आज हम फिर से खेलने वाले हैं PUBG मोबाइल लाइट, और चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे हमारी प्लेन जो है जा रही थी ओल्ड बेसन से, जो हमारी बहुत फेवरेट जगह है। तो हम यहाँ पे लैंड करते हैं और देखिए क्या होता है। हमको उतरते ही मिलती है पहले VSS, और उसके बाद हमको मिलती है पिस्टल। हम जैसे ही बाहर निकलते हैं, हमें दिखती हैं तीन बंदे। देखते ही हमारा तो भाई यही हमेशा सुसूल है, जो गन पाओ उसी को लेकर रस करो। हमने जैसे यहाँ पे आया, देखो क्या होता है। हमने एक बंदे को देखा पहले इसको, फिर वहाँ पे जाके हमने इसको नॉक किया। इसको नॉक करने के बाद अपनी VSS लोडिंग पे लगाई, और यहाँ पे देखिए क्या होता है। इस बंदे के पास गन आ गई थी, हमने इसको नॉक किया, बचा था एक बंदा, और यहाँ पे सिर्फ तीन बंदे उतरे थे। ये भाई सब पता नहीं क्या टहल रहे थे, इनको देख रहा है कि आगे फायर कर रहा है, फिर भी आ रहा है हमारे पास। इनको हमने पिस्टल से नॉक किया। उसके बाद हमारे पास कोई अच्छी खासी बंदूक नहीं थी, तो हमने इनके हाथों में देखा एक बंदूक। तो इनको सोचा कि पहले इन्हीं को लॉबी का बटन दबवाते हैं। इनको दबाने के बाद हमको पहले इनको मार लेते हैं, उसके बाद इनके पास एक तो गन पाकर वहाँ पे देखते हैं एनिमी हो रहा था। तो हम वहाँ पे जाते हैं, तब तक हम हमारे भाई साहब कार्तिक भाई वहाँ पे उनको मार चुके होते हैं। वहाँ पे हम जाते हैं, फिर सोचते हैं कि इनको मारें, तब तक देखते हैं इनकी पेटी है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, थोड़ी सी लूटपाट करते हैं, फिर वहाँ पे हमको फायर का साउंड आने लगते हैं। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे हमें एक बंदा दिखता है, इनको हम पहले मारते हैं, जो हमारे KD देवता है। और इनको नॉक करने के बाद हमें देखिए इनको फिनिश करते हैं। उसके बाद हमें दिखता है एक ऊपर बंदा, यहाँ से जम्पर उठाते हैं, ऊपर जैसे जंप लगाते हैं, यहाँ पे एक बंदा दिखता है। और ये भाई साहब अलग ही लेवल में रहते हैं, ये TTP लेते होते हैं। देखते हैं कि यहाँ पे प्रो प्लेयर आया है, फिर भी TTP ले रहा है। जाओ लोबी का बटन टिपो। उसके बाद इनको नॉक करके यहाँ से हम उठाते हैं AKM। तो देखिए अब वहाँ पे हमको फिर से फायर के साउंड आने लगते हैं, जो हमारे KD देवता होते हैं। तो हम उनके पास जाते हैं, तब तक हमारे जो टीममेट होते हैं हमसे नौटंकी करने लगते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे वॉचआउट कर रहे हैं, वॉचआउट करते हैं। तो हम आते हैं तो कहते हैं कि नहीं, हम मजाक कर रहे थे। तो हमको आ जाता है गुस्सा आता है। हम जाते हैं, सारा गुस्सा अपने बोट लोगों पर उतारते हैं, जो हमारे KD देवता है। तो यहाँ पर हम जाते हैं पहले वहाँ पर, तब तक यहाँ देखते हैं कि घर गए बोट है, तो इनको पहले निपटाते हैं, उसके बाद वो घर जाते हैं। क्योंकि हमें आया था गुस्सा। और हम यहाँ पे जाते यहाँ पे दिखते हैं हमें एक और बंदे देखता हूँ। चलिए यहाँ पे लोग लड़ रहे थे आपस में, महायुद्ध कर रहे थे। तो हमने कहा कि लो भाई आप भी लो, तुम भी लो, हमें आया इस टाइम गुस्सा, आप लोग हमारी नज़र में घूमे चल जाओ, चले जाओ। फिर यहाँ से हम इन लोग को थोड़ा सा लूट पाट करते हैं, और उसके बाद देखिए क्या होता है। इनकी पेटी हम लूटते हैं, उसके बाद जाते हैं, सोचते हैं यहाँ से निकलें। अब फिर हम सबको बुलाते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं। वो लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं। फिर हम बहुत हमको गुस्सा आता है। उसके बाद हम फिर जाते हैं, कहते हैं चलो, कहते हैं अच्छा आते हैं। ये लोग आते रहते हैं, और हम थोड़ा सोचते हैं कि हम भी थोड़ा सा लूटपाट कर लें। फिर हमारे कार्तिक भाई जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, कहते हैं तुम हटो, हम चलाएँगे, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। तो हट जाता है। उसके बाद हम जाते हैं, फिर हमारे मन में आता है कि नहीं, वही उन्हीं को चलाने दो। फिर वह जैसे ही आते हैं, फिर हमने सोचा कि यार इतने मेहनत से हमने अपनी गाड़ी पेंट की थी, और ये भाई साहब आके उसको पानी से धुल दिए। कह कोई बात नहीं, चलो इसी से चलते हैं आज। फिर हम यहाँ पे आते हैं, दो नंबर को उठाते हैं। उठाने के बाद देखो अब जाते हैं, और हमारे कार्तिक भाई साहब का थोड़ा सा नेट इशू था वहाँ पे, पता नहीं शायद हमारा ही था। तो उसके बाद ये जाते हैं सीधा, और वहाँ पे जाके देखो, वहाँ पे हमारे साथ आते हैं तीन देवता, यानी कि हमारे KD देवता। और यहाँ पे आते हैं, देखो क्या होता है। इधर आते ही हमें दिखते हैं, ये पहले जाते हैं कवर में, और फिर से पता नहीं क्या इनको जल्दी मच जाती है। इनको बोट ने नॉक किया था, हमने सोचा इनका टुकड़ाया जाए। भाई ये थोड़ा हमको नहीं लग रहा था, आप कमेंट में बताओ कि ये प्रो प्लेयर था या बोट, यानी हमारे KD देवता थे। और इनसे हमें मिल गया था 6 स्कोप। तो देखो हम इनको लूट ही रहे थे, तब तक
वहाँ पे अभी एक गाड़ी आएगी, अभी आएगी यहाँ पे, फिर वो देवता आ चुके थे, वो फिर से कवर में भाग जाते हैं और ये निपट जाते हैं। तो हमने सोचा कि चलो पहले इन्हीं को देख लिया जाए, और हमने जैसे ही मान लगे तब तक तो हमारे एरिया में लगने लगती है नागिन वाला आत्मा आ चुकी है। फिर हमें इसको थोड़ा सा उसको संभालते हैं नागिन को, तब तक यहाँ पे एक और गाड़ी आ जाती है। हमने सोचा नहीं मारे, हमने सोचा कि को मारे तब तक हमारे एरिया में फिर से यहाँ पे, जानते हो, समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ इनको नॉक करते हैं, तब तक हमारे कार्तिक भाई इनको किल चोरी कर लेते हैं। हमारा कोई बात नहीं, मारेंगे अभी लोग मारेंगे। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी लूट पाट की, फिर सोचा कि हम चलें, वो लोग बुलाते रहते हैं, तो हमने कहा कि चलो उनसे बदला लिया जाता है। वो लोग इस बार हम लूटने लगते हैं और वो लोग गाड़ी में चिल्लाते रहते हैं आओ आओ आओ, लेकिन हम कहते नहीं रुको। फिर हम यहाँ पे जाते हैं, गेटिंग करते हैं, उसके बाद गेटिंग करने के बाद हम जाते हैं सीधा इधर। तब तक हमारे कार्तिक भाई का फिर से नेट शुरू हो जाता है। भाई हम कहते हैं कि भाई क्या यहाँ से गोल गोल चक्कर रानी रानी पानी कर रहे हो तुम, लेकिन नहीं, हमको क्या पता था कि इनका नेट शुरू है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा अपने गुस्से को शांत करते हैं। उसके बाद यहाँ से गाड़ी से उतरने के बाद जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे कोई लगता है कि नहीं है, तो है शायद है वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर पीछे भी कोई आ जाता है, सोचते हैं पहले इन्हीं को मारा जाते हैं। तो हम यहाँ जाते रहते तब तक पीछे से कोई आ जाते हैं, हमने सोचा कि ये हमको परेशान करेंगे, तो पहले इनको मिटा देते हैं। तो ये चले जाते हैं कवर में, और इनको हमको लगता है तो है, लेकिन बैठा हुआ, अरे यार एक तो जीत गए, अरे भाई, अरे यार हट यार, हक दिया भाई, ये पूरा फुल सिक्स है। हमने सोचा इससे छोटा किया जाए, लेकिन तब तक हमारे कार्तिक भाई आते हैं, उनका थोड़ा नेट इशूज रहता है, और ये तब कैसे कैसे कर करके मतलब उसको तो मार देते हैं। उसके बाद हमने जल्दी बुलाया, आओ भाई जल्दी आओ, जल्दी जल्दी भाई जल्दी, अरे बहुत सही भाई, अब हमको रिवाइव दो, तो उसको लूटे बिना आ जाते हैं। नहीं तो आजकल भाई लोग पहले तो नॉक आता है, फिर भी लोग लूटते हैं सामने, उसके बाद ही रिवाइव देते हैं, ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन नहीं, हमारे होते हैं भाई, समझ रहे हो, हमारे होते हैं बहुत अच्छे भाई, और ये हमको रिवाइव देते हैं। हम पहले जाते हैं अपना हेल्थ बढ़ाते हैं, तब तक फिर हमको अभी थोड़ी देर में उधर फिर से अभी आवाज़ आएंगे सब। तो हमने सोचा कि पहले इनको लूट लिया जाए, तो इनको लूटते रहते हैं हम, तब तक फिर से उधर कुछ आवाज़ें आने लगती हैं हमको। हम जाते हैं उधर ही, पहले इनको फिनिश करते हैं, इनको फिनिश करने के बाद फिर देखा जाता है आगे कोई मिलता है, तो चलो चलते हैं उन्हीं के पास, चलते हैं देखा जाए। तब तक इधर होने लगता है बमबारी, वो भी रेड जोन का, और आप लोग समझ सकते हो कि सेंट्रल रोड है भाई, सेंट्रल रोड, वहाँ पे तो वहाँ पे नहीं बम गिरेगा तो कहाँ गिरेगा। फिर हमको आवाज़ें आने लगती हैं, हमको डर लगने लगता है, अरे भाई बहुत साफ बचाना था। उसके बाद देखते हैं कि भाई ये देवता है, देवतों को मार देना चाहिए, नहीं तो हम लोग को नुकसान पहुँचा देते हैं। तब तक इनको सोचते हैं मारे, तब तक हमारे कार्तिक भाई मारते हैं इनको। अब यहाँ से हम थोड़ी सी हेल्थ वेल्थ बढ़ाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। यहाँ आने के बाद हमारे देवता हैं, लेकिन ये भाई पबजी लाइट का जो ग्लिच है ना, समझ ही नहीं आता भाई इसे ठीक कर देना है। ये भाई अगर कस्टमाइज में अंधेरा था तो हम उसको इधर उधर कर देते, लेकिन नहीं भाई ग्लिच है तो है। उसके बाद हम यहाँ सरकते हुए जाते हैं आगे, भाई जाते हैं, तब तक हमें दिखते हैं दो भाई, हम यहाँ से जाते हैं। उसके बाद जाते ही हमको एक हमारे भाई का टोटल दो नंबर हमको अटैक कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे कोई होता नहीं होता, हम तो मजाक कर रहे हैं। तब तक हमें यहाँ पे एक बंदा दिखता है, बंदा दिखता है और हम सोचते हैं कि मारे, तब तक हमारे काफी भाई चाहते हैं कि नहीं हम इन्हें जोर नहीं मारेंगे, अच्छा चलिए, लेकिन हमको देख के रहा नहीं जाता है, उससे मारे लेकिन चलिए भाई है तो उनका सामान तो करना पड़ेगा। उसके बाद हम जाते हैं, सोचते हैं अपने खाई चक्कर में नहीं लेते हैं, जाते रहते हैं, सोचते हैं कि वहाँ पे टीके के ले रहे होंगे आने वाले बंदे को, लेकिन नहीं, तो वहाँ से निकल चुके होते हैं, तो देख के आते हैं यहाँ पे, जाते हैं, जाते हैं, जाते रहते हैं। यहाँ पे आते देखते हैं यहाँ पे तो है ही नहीं है,
वहाँ जब रहते नहीं हैं तो फिर देखते हैं कि अरे उधर कोई दौड़ता हुआ जा रहा है, फिर हल्का सा हमको रेंडर होता है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, फिर देखते हैं कि अरे वहाँ पे है, वहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे सोते हैं, वहाँ पे इस पर देखते हैं, लेकिन वो भाई नागिन गिन गिन करने लगते हैं, उनको एक भी गोली टच नहीं होती है। भाई हमारे भाई जो होते हैं 3 नंबर थोड़ा सा मारते हैं, लेकिन हमारा जो फुल 6x होता है वहाँ पे थोड़ा काम ही नहीं करता है, फिर हम उसको बनाना भी भूल जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे भाई थोड़े मोड़े डैमेज दिए रहते हैं, वो दो जाते हैं, फिर हम वो हमको मार करते हैं। उसके बाद जब मार करते हैं तो चलिए बंदा भी दे जाता है, हमको भागा है, हमको भागा है, लॉबी का बटन टी को दोस्त दिया जाता है, कहते हैं हमारे बंदे मारेगा, हाँ हाँ लो तुमको भी मार देते हैं, लो 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 लो। और इसी बात पे भाई हमारे हो गए चिकन डिनर।